हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान और कर्मचारी बेहद परेशान हैं। यहां पहुंचने वाले आढ़तियों को भी कई शिकायतें हैं। सभी का कहना है कि मंडी प्रबंधन को मंडी में इंतजामों का जरा भी ख्याल नहीं है। एक तरफ तो अन्नदाता किसान आंदोलन के चलते मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उससे मंडियों में भी अपनी फसल बेचने के लिए मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। परेशानी ये है, एक तो सरकार की तरफ से कोई पीने के पानी की टॉयलेट की कोई प्रबंध नहीं किया हुआ किसानों के लिए। आढ़तियों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया हुआ, सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ा हुआ, लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अभी तो जी 1975 की बताई हुई है जो सरकारी खरीद है। पहली ट्रॉली आई थी 3 तारीख की आई थी, 48 घंटे का टाइम था, अभी तक तो पेमेंट आई नहीं है उसकी। ये वजन वैसे तो 50 किलो की भरती है, लेकिन 300 ग्राम जो ये प्लास्टिक वाला कट्टा है, 300 ग्राम एक्स्ट्रा प्लास्टिक के कट्टे की भरती ली जाती है 50-300। अच्छा, और जूट वाले कट्टे के लिए 800 ग्राम अलग से काटा जाता है, 50 किलो 800 ग्राम भरती की जाती है उसमें। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान मार्केट कमेटी ही अनदेखी से परेशान है, क्योंकि मंडी में चिलचिलाती इस गर्मी में किसान और मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है और मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं। टेंशन ये है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो रोकी जा रही है ताकि हमारे पल्लेदार यहाँ आ नहीं सके लॉकडाउन के चक्कर में, इसलिए काम कम है हमारा। सरकार की तरफ से 50 किलो 300 ग्राम प्लास्टिक कटेगा, जूट वाले कटेगा 800 ग्राम। ये पहली बार देख रहा हूँ ऑनलाइन के चक्कर में। पहले हालात जहाँ मर्जी भरो और भागो, ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन समस्या ये है, कहीं से 100 कट्टा उठाना पड़ता है, कहीं 200 कट्टा उठाना पड़ता है। इस तरह का मंडी भारी ना हो, 2 महीना 3 महीना भी। सबसे ज्यादा उठान की दिक्कत हो रही है। एक जैसे एक एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसके यहाँ पहले एक जेफान का 20 क्विंटल लाया है, दूसरी दुकान पर 40 क्विंटल का है, तीसरी दुकान पर वो 50 क्विंटल का है। 110-115 क्विंटल माल भी हुआ तो उसका 3 जगह गाड़ी लगाएगा और मंडी में इतना रश है कि गाड़ी घूम ही नहीं सकती ना चल सकती है। व्यवस्था कुछ ना जी, व्यवस्था तो सब हमने की हुई है। लेबर की पर लेबर कम है, इस बार पल्लेदार कमाया है पीछे से, तो दिक्कत है। लेबर को कितनी मजदूरी दी जा रही है? लेबर को क्या, मैं 8 रुपये ले, वैसे तो वहाँ से 5-27 मिलते हैं। बस यही है जी, लिफ्टिंग नहीं हो पाई है। 48 घंटे का बोले हैं कट्टा जी, तो 48 घंटे में लिफ्टिंग हो जाएगी, 48 घंटे पेमेंट हो जाएगी। अभी तक तो 2 तारीख की पेमेंट, 2 तारीख की पहली पैसेज है, उसकी पेमेंट भी आई नहीं है। अच्छा, तो किसानों के खाते में किसी के में कोई पैसा नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पोर्टल की रही है। पोर्टल में जो सरकार ने बनाया है वो, जो हम उसमें ट्रक वगैरह जो हम फीड करते थे, सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी नंबर वगैरह डालने के लिए, वो हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी। ये ट्रक ही नहीं जा पाएगा आगे, माल आगे पोर्टल चलेंगे नहीं तो पेनल्टीज कौन, कैसे, किसका हाथ ना, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कौन दे पाएगा। वही मैं आपके माध्यम से सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो 50 कट्टे और 56 कट्टे या जो मतलब ये बनाया हुआ पोर्टल जिसका पड़ा हुआ है उसको इस बार ही छोड़ें, पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करें। ये ठीक है कि किसान को पेमेंट मिलनी चाहिए, सीधे हम मानते हैं किसान को ही मिले, लेकिन इस व्यवस्था को ये खत्म करें। वहीं जब गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग के बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक सोनी और ट्रांसपोर्टर से बात की गई तो उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए बात को टालने की कोशिश की। खरीद सुबह 10 बजे से चल रही है, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई वो मौके पे मौजूद थे। एक जगह एक दुकान पे बैठकर खरीद नहीं हो सकती, ऐसा है। पोर्टल नया बना था, जिस टाइम शुरुआती जो खरीद का समय था उसके दौरान जिस भी किसान के पास मैसेज आता था वो अपना गेट पास यहाँ लेके कटवा के और फिर ढेरी देने के लिए आता था। उसमें सरकार ने थोड़ा बदलाव किया कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सभी मौके पर आकर के और अपना गेहूं उतरवा सकते हैं। क्या रेट पे आप गेहूं ले रहे हैं आप? 1975 रुपए। भर्ती कितने? भर्ती 50 किलो की। लेकिन डिपो वाले के पास 52 किलो कैसे हो जाते सर? डिपो वाले का तो यहाँ से माल जाता नहीं है, वो कॉन्फेड के थ्रू जाता है, एफसीआई से जाता है, जहाँ से उठता वहीं से जाता है। बीएफएससी का कब से यहाँ पे मतलब खरीदारी शुरू हुई है, कौन सी तारीख से शुरू हुई? 3 तारीख को शुरुआत हुई थी। कितने किसानों की मतलब पेमेंट हो चुकी है? पेमेंट तो अभी ऑनलाइन पोर्टल में थोड़ी दिक्कत है, उसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये बदलाव का जो कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है, वो सभी को है।
सरकार की तरफ से मंडियों के इंतजामों की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कई जगह मंडियों में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे यही लगता है कि मंडी प्रबंधन इस सब को लेकर आंखें मूंद कर बैठा है, जिसको किसानों की मुश्किलों से कोई सरोकार नहीं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।